तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने टाइम को कैसे चेंज कर सकते हैं सैमसंग के मोबाइल में। जैसे कि ये देखिए मेरा 24 आवर्स का अभी टाइम चल रहा है, इसे मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो फ्रेंड्स इसे चेंज करने के लिए आप लोगों को सिंपली अपना सेटिंग्स में जाना है मोबाइल की। सेटिंग्स में जाकर देखिए यहाँ पर चला जाना है और यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा एक जनरल मैनेजमेंट का, नीचे क्लॉक लॉक लिखा होगा आप लोग समझ सकते हैं, उसी से आप लोगों को चेंज करना है। जनरल मैनेजमेंट के ऑप्शन में जाने के बाद डेटा डेट एंड टाइम लिखा होगा आपको, इसमें क्लिक करके नीचे वाला ये है यूज 24 आवर्स फॉर्मेट, इसे डिसेबल कर देना है। इसे जैसे ही आप डिसेबल कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स 12 आवर फॉर्मेट होता है और 24 आवर, तो ये 12 आवर फॉर्मेट पे लग जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आप लोग अपने टाइम को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है सिलेक्ट कीजिए ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दिए गए बेल आइकन में क्लिक करके ऑल में टर्न कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए ऐसी क्वालिटी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।